शाम हो चुकी थी तो मैं थोड़ी भूख सी लगी, तो हम लोग खाने यहाँ पे पेटी। ऑल राइट डूड, तुम्हारे भाई ने कैप ले लिया, जो इतनी खास तो लग नहीं रही लेकिन हमें इमरजेंसी के लिए पहन लिया है। चिड़िया का बच्चा, बोलने लगे उन्हें कि सकल में मत जाइए, सकल से भूली, इसने ही खाए उसके दो बच्चे। क्यों चलते हैं ब्रो, चलते हैं। ये देखिए खिला दिया चारा। गुड मॉर्निंग इंडिया, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एलेक्स पार्कर, आप लोग के साथ फिर से और निकलेंगे आज थोड़ी देर में घर से। आप सभी बढ़िया होंगे, बहुत ज्यादा में तो शूटिंग में आउटस्टैंडिंग में लवली है, मैं तो फैंटास्टिक है, मैं घूम बैला और बहुत ज्यादा घूम बैला होंगे डूड। सो आज के व्लॉग में हम करने वाला, आई डोंट नो कि क्या करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे बहुत आउटस्टैंडिंग एंड बहुत ज्यादा लवली एंड बहुत ज्यादा फैंटास्टिक भी हो सकता है। सो डूड फिलहाल अभी प्लान तो इतना ही है कि खाना खाएगा तुम्हारा भाई झटाक से, फिर नहाएंगे हम फटाक से, लेकिन उससे पहले एक करेंगे सुप काम। यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला था, इसमें तीन बच्चे उड़े थे बड़े प्यारे प्यार से। मेरी बिल्ली ने दो बच्चे मार दिए, मगर एक बच्चे को हमने बचा लिया जैसे तैसे। अब उसको मैं छोड़ के आता हूँ झाड़ी की तरफ को, क्या पता वहाँ पे वो बच जाए, क्योंकि घर में रहेंगे तो मिल जाएगी, इसलिए तो उसकी जान थोड़ी बच जाएगी। तो चलते हैं फटाक से और चिड़िया की जान बचाते हैं आज झटाक से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है चिड़िया का बच्चा, इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये देखिए उड़ रहा है। हमने इस डब्बे में बंद कर दिया, वैसे यहाँ से इसमें हवा जा रही है। मैं सोच रहा था कि इसको बाहर छोड़ के आऊंगा, लेकिन मम्मी कह रही कि बाहर मत छोड़ के आ, क्योंकि कोई और भी खा सकता है। तो दो दिन हम इसको पालेंगे, फिर ये सही हो जाएगी, फिर हम इसको छोड़ देंगे। देखो ऐसे उड़ रही है अच्छी लग रही है ना डूड, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर से। देखिए यहाँ पे है बच्चा, ये दिख गया आपको, मैं खोलना नहीं चाहता ना, कहीं उड़ गई तो चलो खोल लेते हैं एक बार, हम इसको बचाने की कोशिश पूरी करेंगे। ये ढक्कन भी बड़ा टाइट हो रहा है। और यह है देखिए चिड़िया का बच्चा, हो हाय हाय, क्या ही प्यारी है ना, उड़ गई है तो। डूड डूड डूड, यह है वो चिड़िया का बच्चा, इसको हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मैं तो यही सोचूंगा कि बच जाए यार, बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारे वहाँ आया है। ये डब्बे से उड़ गई, इसको दोबारा डब्बे में रखते हैं। इसकी मम्मा यह है देखो, आ चुकी है खाने के लिए, लेके आई है वो, देखिए वहाँ बैठी और आवाज भी मार रही है अपने बच्चे को। मैंने चिड़िया को डब्बे के अंदर रख रखा, इसकी मम्मी शायद आ रही है, वो यहीं से चिल्ला रही है। ये देखिए मुंह खोल के खड़ा है और फड़फड़ा रहा है, इसकी मम्मी देखिए आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, आ जा यहाँ डब्बे में, आई नहीं रही, आ जाओ बेटा कहाँ हो दूर। तो फाइनली मैंने इस डब्बे का ढक्कन खोल दिया है, अब आ जाएगी इसकी चिड़िया, देखिए आ गई आ गई आ गई आ गई, अब खिलाएगी इसे चारा, नीचे देख पा रही बेचारी, जाओ खिला के लाओ उसे। सिपॉल है, उसके दो बच्चे नहीं रहे तो एक ही बच्चा रहा, अब वो और बच्चों को ढूंढ रही है। ये देखिए खिला दिया चारा, सिपॉल है, खिला दिया बच्ची ने, अब इसको हम डब्बे में बंद कर देते दोबारा से। फाइनली डूड मैंने इस बच्चे को मिला दिया इसकी मम्मी से, और इसकी मम्मी ने उसको खिला दिया खाना, अब इसको नीचे ले आते हैं क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी। हमारी बिल्ली भी आसपास ही घूम रही है, और इसको नीचे को लेके चलते हैं अंदर कमरे में, इसको सेफ रखते हैं थोड़ा। क्यों ला इसको अंदर, और हमारी मम्मी संभालेगी इसको अब दो दिन तक, फिर देखेंगे चिड़िया बड़ी हो जाएगी तो हम उसको उड़ा देंगे, ठीक है। अब सही है, इसकी मम्मी इससे मिलते रहेगी, देखिए यह इसकी मम्मी और ये है मेरी मम्मी जो इसकी केयर करेगी आज। और बच्चा उड़ गया, खाने वो चिड़िया उड़ गई, क्या है यही कहीं से आवाज आ रही है, यहाँ बैठा है, दिखाओ उसको दिखाओ, चिड़िया का बच्चा दिखाओ, ये देखिए ये है चिड़िया का बच्चा, बाप रे, डब्बे में रख दो, ऐसे बोलने लगे उन्हें और बोल दिया। यहाँ पे रही चढ़ेंगे बच्ची कहाँ गई, इसको फिर से हमने डब्बे में रख दिया क्योंकि अभी उड़ने लायक नहीं हुई है, हमने छोड़ के देखा थोड़ी देर, मम्मा के साथ है तो केयर में रहेगी इसकी मम्मा भी मिलते रहेगी हाँ, क्योंकि यार घर के बगल में ही है। और ये था डूड वहाँ पर घोंसला जो तोड़ दिया गया बिल्ली के द्वारा, ये बिल्ली नुकसान ही करती है हमेशा। हाँ उनसे देखिए बिल्ली को, इसकी शकल में मत जाइए, शकल से भूली, इसने ही खाए उसके दो बच्चे, क्यों खाए तूने, क्यों खाए तूने। लेकिन डूड इसमें हम कर क्या सकते हैं, प्रकृति का नियम है, ये तो हर जानवर करेगा,
ये किसी के बच्चे खा रही है, कोई इसके बच्चे खाता है? क्यों किट्टो, हेलो। आज व्लॉग की शुरुआत तूफानी हो गई। बहुत ही अच्छा काम करा स्टार्टिंग में। फिलहाल अच्छा काम करेगा, अच्छा ही लगता ना। और यार उसको खाना मिल गया, हम थोड़ा उसकी देखभाल करेंगे, सही हो जाएगी, फिर हम उसको रख लेंगे। अभी डूड यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनाया आज, और खाते हैं फटाक से, फिर नहाएंगे झटाक से। तो सबसे पहले देखते हैं आज घर में बनाया क्या है। ये तो हरी बार कटता है सैलेड, और ये राइस ही होंगे, देखनी है तो वो दाल में देखने की है क्या। ओ भाई यार, तो मेरी फेवरेट है शायद, मेरी फेवरेट दाल बनी है राजमा की। डूड राजमा, ये मेरी फेव दाल है, अगर आप लोग की फेव दाल है तो बताना जरूर। पहले खाते हैं हम खाना, फिर है एलेक्स पार्कर को नहाना। तो फटाक से खाते हैं, झटाक से फिनाते हैं। ओके डूड, हो चुकी है शाम, और तुम्हारा भाई भी हो चुका है रेडी एकदम फटाक से। एंड डूड, आप लोगों से बहुत टाइम पहले मैंने एक बात कही थी कि अगर आप मेरे ब्लॉग में नीचे कमेंट में लिखते हो, मुझसे रिलेटेड कोई सवाल पूछते हो, तो उसका आंसर मैं आपको दूंगा, वो भी अपने मुंह से। तो वैसे ही कल या परसों एक कमेंट आया था अनसीन गेमिंग करके, उनने कमेंट में लिखा कि भाई आप चेस्ट में बार बार मारते हो, तो इससे क्या होता है, मतलब इसका राज क्या है। तो मतलब काफी फनी सा कमेंट था, और काफी अच्छा भी लगा सुन के कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर यह है अनसीन गेमिंग, कि जब भी मैं छाती में अपने मारता हूँ, तो छाती में मैं इसलिए मारता हूँ, मुझे जब कॉन्फिडेंस आता है, जैसे चलते हैं ब्रो चलते हैं, तो समझ गए, मतलब ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब मैं चेस्ट में मारता हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस हाई हो गया। अगर मैं वैसे बात करता हूँ तो बुरी तरह से आती है ना। तो अनसीन गेमिंग, ये था इसका राज कि चेस्ट में मारने से आता है मुझे कॉन्फिडेंस। सो फिलहाल हम आज करने वाले क्या हैं, अभी फटाक से जाएंगे झटाक से। सबसे पहले अपने मोबाइल में लगाएंगे स्क्रीन कार्ड, क्योंकि मेरा स्क्रीन कार्ड चटक चुका है और उसको मैंने फेंक दिया था, आपको पता ही। अमृतपुर वाले व्लॉग में आपने चेकआउट करा होगा, तो एक बार देखना, उसमें मैंने स्क्रीन कार्ड निकाल के फेंका था वहां पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे और स्क्रीन कार्ड चेंज करवाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग कैप लेंगे, एंड उसके बाद जाएंगे हम सैलून में। क्योंकि डूड आपने मेरे एक हफ्ते पहले देखा, कलर कुछ अलग ही था ना, अब कलर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ये ब्लू से वाइट जैसा होने लग गया अब। तो मैंने भाई को कॉल की थी, उन्होंने कहा सैलून में आना, और सैलून में बताएंगे कि ये कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे सैलून में, सैलून के बाद जाएंगे कुछ खाने के बाद आएंगे फिर घर को। फिलहाल अभी तो प्लान में यही है, और कुछ ऐड होगा तो पता लगेगा। लेकिन हम जाने किसमें वाले हैं, ऑफकोर्स डूड एलेक्सा में, तो चलते हैं फटाक से। चलो ऑल राइट, निकल पड़े घर से, एंड में जाना था एलेक्सा के साथ, लेकिन कुणाल भाई मिल चुके हैं और हैगर मिल चुका है, तो हम जाने वाले हैं स्कूटी में। तो चलते हैं फटाक से, पहले स्किन कार्ड लगवा के आते हैं फटाक से। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Bas, badhiya. तो टूटा भी चलता है फटाक से। मैं जहाँ से स्क्रीन कार्ड डाला था, मैं यहाँ से डाला नहीं पाया, क्योंकि कुरान भाई ने कहा कि बेहतर अच्छा सा स्क्रीन कार्ड डलवा दूंगा यहाँ से, और थोड़ा डिस्काउंट भी लग जाएगा, तो ये से डलवा देते हैं ना। ऑल राइट डूड, तुम्हारे भाई ने कैप ले लिया, जो इतनी खास तो लग नहीं रही, लेकिन हमें एमरजेंसी के लिए पहन ली है। और तुम्हारा भाई ने स्क्रीन कार्ड भी लगा लिया, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि हमें ज़्यादा रोड होते थे, मैं दिखा नहीं पाया। अभी फिलहाल जाते हैं सैलून की तरफ को, और देखते हैं कि हमारे बालों में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल हमें कैप लगा के चलेंगे और इस बालों को छुपा के चलेंगे, क्योंकि यार शादी में जाना है। वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि शादी में जाना है, लेकिन शादी में जाना है तो फटाक से चलते हैं ना। डूड अभी हम लोग आ चुके हैं उस सैलून में जहाँ से हमने कलर करवाया था, तो चलते हैं अंदर। डूड तो तुम्हारा भाई सैलून से बाहर आ चुका है, और इस कलर के बारे में आप लोग को थोड़ा घर में बताऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा शोर शराब और टाइम भी नहीं है, तो घर में जाके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कलर क्यों निकला और ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। Dude, अभी हम लोग आ चुके हैं छत में, और यहाँ पे सब बैठे हैं और थोड़ी बातें कर रहे हैं और थोड़ा मजा कर रहे हैं, फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं, और अभी देखते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं। एंड डूड कलर के बारे में आपको बताने वाला था ना, वो अभी नहीं, मैं आपको शाम को बता दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा हम लोग मस्ती कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा बातें कर लेते हैं और थोड़ी शेयरिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कलर ऐसा क्यों हुआ और इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। डूड शाम हो चुकी थी, हमें थोड़ी भूख सी लगी, तो हम लोग खाने यहाँ पे पेटीज, और रह कर यहाँ पे हम सब कर पाई है, और जो हम लगाई है वो लगाई है एग वाली पेटीज, तो आएगी फटाक से खाएंगे हम इसको फटाक से।
हमारे घर के बगल में एक नई बेकरी खुली है, यहाँ पे सब बनता है, मोमो चाउमीन वाउमिन। आप मेन्यू पढ़ सकते हैं तो वही। अभी तो मैं अंडा पेटीज खाने खाते हैं, आया गर्म हो चुकी है हमारी अंडा पेटीज, अब खाते हैं उसको। और अंकल निकाल लें, यहाँ की पेटीज थोड़ी अलग है, इसके साथ हमें सॉस भी मिला और एक चटनी मिली जो दही वाली है, काफ़ी टेस्टी हो रही है। केचप और चटनी को मिला के एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, खा के दिखाता हूँ मैं आपको। खाते हैं इसको, टेस्ट फूड फाइनली पेटीज खा लिया, मतलब खा रहा हूँ अभी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही है। और पेटीज की तो सबसे अच्छी बात है वही है कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, मज़ा आ गया खाने में और एकदम सॉफ्ट सी हो रही है, मेल्ट हो जा रही है एकदम मुँह में। तो खाते हैं पेटीज को झटाक से और मम्मी के लिए पैक कराते हैं। अभी जा एक पेटीज मैंने पैक करा ली और इसको देंगे मम्मा को, तो चलते हैं घर फटाक से, मम्मा को पेटीज खिलाते हैं आज झटाक से। तो फाइनली तुम्हारे भाई ने मम्मी को पेटीज खिला दी एंड हम घर में आ चुके हैं और रात के 10 बज चुके हैं। फिलहाल हम लोग खाएंगे यहाँ पे खाना क्योंकि तुम्हारे भाई को लग चुकी है भूख। एंड एक बात जो मैं आपको बताने वाला था अपने बालों के बारे में, वो बाल में ये था कि ये कलर फेड इसलिए हो गया है क्योंकि एस ब्लॉन्ड जो कलर होते हैं वो ज्यादा नहीं दिखते हैं, वो कंपल्सरी वही कलर नहीं होता है, लास्ट में कलर यही आ जाता है गोल्डन वाइट। तो डूड जब भी एस ब्लॉन्ड कराए हैं तो वो एक हफ्ते के लिए टिकेगा या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन टिक सकता है, इससे ऊपर नहीं टिकता। लेकिन ब्लू रेड एंड ग्रीन एंड इस टाइप के कलर कराओगे तो टिक जाते हैं, लेकिन एस ब्लॉन्ड कलर नहीं टिकता है। तो ये जो मेरा कलर होगा ये फिर चेंज होगा और ये हो जाएगा फिर व्हाइट। सो ये है इसका सॉल्यूशन। फिलहाल आज के ब्लॉग में हमने ज्यादा मस्ती नहीं करी, लेकिन जितनी मस्ती करी बहुत ज्यादा बूम बैम करी एंड बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग करी और पेटीज काफी लाजवाब थी। एंड फिलहाल हमने पेटीज तो पहले खाई थी लेकिन भूख अब लग चुकी है तो खाएंगे अब गर्म करके खाना। रात के 10 बज चुके हैं तो घर वाले पहले ही खा ले खाना एंड मैं भी खाऊंगा खाना। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एवरीवन। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो करें सब्सक्राइब एंड देखते रहिए रोज सुबह एलेक्स पार्कर व्लॉग्स को। Bye-bye.